नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोहिनीअट्टम के सशक्त नाम सशक्त कलाकार दीप्ति ओमचेरी भल्ला जी से। इंटरव्यू के पहले हिस्से में हमने इस नृत्य के बारे में जाना, उनके बारे में जाना। इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से की शुरुआत इस प्रश्न के साथ करते हैं। जी, मेरा एक प्रश्न और है कि जैसे मैं कथक की प्रस्तुतियों में देखता हूँ कि तमाम प्रयोग हो रहे हैं, मतलब वो कृष्ण राधा या फिर जो पारंपरिक विषय वस्तु थे उससे बाहर निकलकर समसामयिक विषय जो हैं, मतलब गर्ल चाइल्ड से लेके पॉल्यूशन से लेके सेक्स रेशियो से लेके रेप से लेके इस तरह के जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं इन पर भी आजकल के कलाकार कथक कर रहे हैं। भरतनाट्यम में भी मेरे ख्याल से विषय वस्तु जो है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला है। क्या मोहिनीअट्टम भी अपने विषय वस्तु के लिहाज से अभी उन परंपरागत चीजों पर ही चल रहा है जहां से वो शुरू हुआ था, या यहाँ पर भी स्कोप है और इस तरह से काम हो रहे हैं जिसमें कुछ नयापन भी दिखाई दे, कुछ नई चीजें भी दिखाई दे? बल्कि मैं ये कहूँ कि अब जैसे फॉरेन में जैसे फेस्टिवल्स होते हैं तो इंडिया से आर्टिस्टों को भेजा जाता है, तो जितने भी मोहिनीअट्टम डांसर्स रहे हैं उन सब ने जो है थीमेटिक, जैसे उनको बोला गया कि थीमेटिक प्रेजेंटेशन करना है, तो उस हिसाब से उन्होंने किया है और अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि उसका रीजन ये है कि साउंड इंजीनियरिंग और लाइट इंजीनियरिंग बहुत एडवांस हो गया, तो जो इफेक्ट जो है पहले जो एक केवल नृत्य नर्तक के ऊपर जो होता था सब कुछ उसी को करना होता था, केवल जो स्पेक्टेटर था कि उसके प्रेजेंटेशन से ही अनुभव कर सकते थे। अब ऐसा नहीं है, अब जो है स्पेक्टेटर जो है लाइट साउंड और पीछे जो उसके इफेक्ट्स हैं साउंड इफेक्ट्स उससे प्रभावित बहुत हो चुका है। तो उसमें कहूंगी मोहिनीअट्टम काफी आगे निकल चुका है, काफी उसका इम्पैक्ट अच्छा इम्पैक्ट होने लगा है। यहाँ तक कि मैं एक बात कहूंगी कि एक मुंबई में एक फेस्टिवल होता है काला बुरा फेस्टिवल, बहुत काफी फेस्टिवल है, उसमें मेरे से बोला गया कुछ साल पहले कि आप कुछ ऐसा करिए कि जो यूथ है वहाँ के जो मोहिनीअट्टम की क्लासिकल पक्ष को नहीं जानना चाहते, मगर मोहिनीअट्टम क्या है ये हम दिखाना चाहते हैं उनको कि भाई ये एक ऐसा कस्बे देती है, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उनके ऊपर जो उनको प्रभावित करे। तो मैंने सोच विचार किया और एक बहुत जानी मानी कलाकार ओडिसी जो डांसर है अरुणा मोहंती उनसे मैंने संपर्क किया और उनसे मैंने कहा कि मेरे पास एक बहुत सुंदर पोएट्री है मलयालम पोएट्री जिसका मीनिंग है फॉलन फ्लावर, उसका टाइटल है वीणापू मतलब फॉलन फ्लावर। तो मैंने उसको बोला ये फॉलन फ्लावर एक ऐसा कहानी है जिसमें एक किस तरह से बट से फूल निकलता है फ्लावर होता है फिर मिट्टी में दोबारा मिल जाता है। तो क्या हम इस तरह का कर सकते हैं केवल म्यूजिशियंस को लेकर, उसमें संगीत नहीं आएगा मतलब वर्ड्स नहीं आएंगे गाना नहीं आएगा, मगर तुम्हारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है और हमारे जो मोहिनीअट्टम के इंस्ट्रूमेंट्स है वो इंस्ट्रूमेंट से क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो हम दोनों ने सोच विचार किया और उसके बाद केवल म्यूजिक बैकग्राउंड से परकशन से अपने अपने परकशन से मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट से हमने बहुत सुंदर जो है एक घंटे का प्रेजेंटेशन दिया जो केवल थीमेटिक। अब आप देखिए उस थीमेटिक प्रेजेंटेशन में मैं वो सब कुछ क्लासिकल पक्ष भी लेकर आ सकती हूँ, उसमें जैसे आपको मैंने अभी जो सुनाया जो तक 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 ये सब मैंने उसमें डाला मगर वो बिना किसी वर्ड्स के था। तो जब वहां पे यूथ ने जो वहां के बॉयज एंड गर्ल्स ने जब देखा उनको बहुत अच्छा लगा कि देखिए इसमें एक रिदम भी है एक टेम्पो भी है एक सौम्यता भी है स्पीड भी है सब कुछ है और भाव भी है, भाव भी हमने बहुत अच्छी तरह दिखा है। अगर हम ये सब चीज नहीं आज के दौर पे जो डिमांड है सोसाइटी की अगर हम उसमें ये अपना शास्त्रीय पक्ष ला सकते हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई गलत करना ही पड़ेगा। हर दौर में शास्त्रीय चीज को समझने के लिए बहुत कम लोग ही होते हैं, तो जनसाधारण को अगर हमें समझाने के लिए उनकी भाषा को लेकर हमें अपना कुछ रचना करना है कोरियोग्राफी हमें करना पड़ेगा। जैसे खजुराहो में मैंने किया
बुंदेलखंड की कुछ रचनाओं को लेकर मैंने कोरियोग्राफी किया, मगर उससे मैंने अगर मैंने जन पक्ष को प्रभावित किया है तो मेरे नृत्य शैली के लिए अच्छी है, उसको सस्टेन कर पाती है, पॉपुलराइजेशन हो जाता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर दिस शुड नॉट बी दी ओनली ड्यूटी ऑफ अ डांसर। उसको सस्टेन करने के लिए, उसके स्टाइल को और फॉर्म को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जरूरी है, नो डाउट, मगर उसका क्या ड्यूटी है? उसकी ड्यूटी है कि वो और अपनी कला को और शास्त्रीयता से गूढ़ कर उसमें और डेप्थ इन डेप्थ लाए, ताकि वो शास्त्रीयता में भी उसमें कोई कमजोरी ना आए। एक बुनियादी प्रश्न और है, एक जिज्ञासा कह लें, प्रश्न ना कहें। जैसे हम कथक देखने जाते हैं तो देखते हैं कलाकार के पैरों में ढेर सारे घुंघरू हैं, एक सेट तरह की पोशाक है, कुछ मतलब तय है कि एक तबला होगा, एक कोई एक सारंगी हो सकती है, पखावज भी कभी कभी, पखावज कह रहा हूँ सॉरी, वो हो सकता है, हारमोनियम होगा, एक पढ़ंत कर रहे होंगे, ऐसे भरतनाट्यम की एक तय पोशाक है। मोहिनीअट्टम में जब आप लोग इंस्ट्रूमेंट साथ में रखते हैं तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो होते ही होते हैं, मतलब ये तो होना ही है, और कोई एक दो चीज ऐसी जिसको देख के एक रॉ आदमी समझ जाए कि ये मोहिनीअट्टम डांस है? देखिए हमारे यहाँ पे तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो केरल से ही जुड़े हैं, एक है चंडा, एक है मतलम और एक है डेक्या। अब कथकली में अगर, क्योंकि बहुत पॉपुलर है कथकली तो हर कोई देखता ही है, हर फेस्टिवल में भी अब कितने सालों से प्रचलित है, इसमें ये तीनों जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की उपयोग में लाए जाते हैं। अब इस इंस्ट्रूमेंट में जो स्त्री जब नृत्य आता है, जो स्त्री पात्र का जो जब नृत्य आता है, उसमें मतलम और एडेक्या ऐसे दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमेशा ही उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स जो है मोहिनीअट्टम में, इसका आना बहुत जरूरी है। अब इसमें मतलम की स्थान पर हम मृदंगम भी ला सकते हैं, वो इस कारण कि जैसे मैंने बताया कि स्वाति तिरुनाल के दरबार में इसका जो है स्ट्रक्चर मिला, उस टाइम पे सदिन नृत्य के लिए मृदंगम भी इस्तेमाल हो रहा था, तो मोहिनीअट्टम में भी मृदंग का उपयोग होना शुरू हुआ, तो मतलम कुछ हद तक उसका कम प्रयोग में आने लगा। मगर अब जो है अगर हम मोहिनीअट्टम को देखें, मतलम, इडेक्या, मृदंगम, ये तीनों का और वीणा, ये तीनों का बहुत जरूरी, उससे एकदम से मिला। और एक सवाल और मुझे छोटा सा लगता है पूछना चाहिए कि हम लोग कहते हैं कि एक एक तो काम होता है एक्टिंग करना और एक काम होता है एक्टिंग सिखाना, यानी एक एक कलाकार होना और एक गुरु होना, तो आपका जो अध्यापन पक्ष है आपके अपने जीवन का, उसका क्या अनुभव है और उसको किस नजरिए से आप देखती हैं? देखिए मैं जब कल्याणी पहला लेसन मैं बोलूंगी जब मैंने उसे सीखा, वो था एक पदम। तो पदम में उन्होंने जिस तरह से मुझे समझा के मुझे मेरे भाव भाव को बताया कि देखो तुम्हारी आंखों की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, तुमको ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे सामने बदला बैठे, इस तरह से उन्होंने एक एक स्टेप बाय स्टेप मुझे बताया कि ऐसे करना चाहिए, तो मुझे लगा कि उसमें मैं और विस्तार कर सकती। तो वही पदम जो मैंने उनसे सीखा, उन्होंने बहुत ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वे से मुझे बताया, मैंने वो सीखा और मैंने प्रेजेंट किया, मगर उसके बाद जब मैंने करना शुरू किया मुझे लगा उसमें बहुत एक्सपेंशन की संभावना है, मैं कर सकती हूँ, तो मैंने उसमें किया। वही चीज मैं जब अपने डिसाइपल्स को सिखाती हूँ तो मैं उनको केवल ये बोलती हूँ कि देखो ये इसमें पहली पंक्ति जो है मैं इसको आठ तरीके से तुम्हें दिखा दूँ, या सात तरीके से, पांच तरीके से दिखा दूं कि किस तरह से मैं एक ही पंक्ति को हम अलग अलग भावों से कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और भाव दिखा सकते हैं क्या? तो try and watch the performances of all great masters कि उन्होंने अगर उससे जुड़ी हुई कोई पंक्ति करी है या वो भाव लेकर आए हैं तो किस तरह से संचारित किया, तो मैं आई गिव देम द फ्रीडम टू वॉच द परफॉर्मेंसेस। आजकल सबसे बड़ी सुविधा ये YouTube में आप जा सकते हैं, पहले तो ऐसा नहीं था, हमें परफॉर्मेंस देखने जाना पड़ता था तो बहुत कम लोग जाते थे, मगर अब जो है ये पीढ़ी जो है बहुत
एकेडमी की क्वालिफाइड है और जानने की उत्सुक भी है कि भाई उसने कैसे किया है, उन्होंने क्या किया था, किसी ने क्या किया है, वो सब देखने की उनमें इच्छा भी है और करते हैं। उससे क्या है, आई अलाउ देम द फ्रीडम नॉट टू बी अ कॉपीकैट, कि मैंने जो सीखा है उसी को वैसे का वैसे कर लो, तो वो सोच समझ के उसको करते हैं। और मेरे ख्याल से दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ अ गुरु। आपने शास्त्रीय गायन भी सीखा है तो कुछ दो लाइन गुनगुना दीजिए अंत में इस इंटरव्यू के। तो मैं इसका गला ऐसा है कि चलिए मैं क्या सुनाऊं। तुझे इसमें देखिए ये पदम एक बड़ा रेयर पदम है। पदम जनरली क्या होता है, एक ही ताल पे निबद्ध होता है। ये पदम की एक क्राइटेरिया कि चाप ताल में सात मात्रा में तो वैसे ही कर सकते हैं पूरा शुरू से अंत तक, और आधी ताल में है आठ मात्रा है तो पूरे शुरू से अंत तक वही करना है, या खंडित जाप में तो पूरे अंत से। ये एक विशेष पदम है जो इरेनियन पंक्ति के लिए। इसमें ये है कि ये जो एक पदम जो मुझे मिला वो इरेनियन पंक्ति की रचना थी, वो एक बहुत रेयर पदम था, रेयर पदम है जिसमें पल्लवी जो है वो है चार मात्रा की चतुष्एकम, अनुपल्लवी जो है वो बारह मात्रा की है, रूपकम हम बोलते हैं छह मात्रा या बारह मात्रा, और जो चरणम है वो सात मात्रा की जिसको हम मिश्र चाप बोलते हैं। तो ये बहुत रेयर पदम था जो मैं आपको सुनाती हूँ कि अच्छा उसमें ये शायद इसलिए डाला होगा कि इसका भाव अलग अलग बदलता है। ये मतलब है तो विप्रलंभा की सखी से बोलती है नायका नहीं आया, फिर वो जब चेंज होता है टेम्पो, तुमने बोला था कि वो आएंगे और मेरे साथ वो मेरे साथ बैठेंगे, और फिर उसके बाद जो थर्ड है तुम जो भी कह रहे हो वो सब गलत है, तो वो जो टेम्पो चेंज हो रहा है वो हाँ बदलता रहता है उसको। तो ये बहुत सुंदर है। यंतु चेंडो न्याक आईयो इन्नुनी चुन्नदुं पुईयो, यंतु चेंडो न्याक आईयो इन्नुनी चुन्नदुं पाती रावायलो हरिगिल कांतन वन्निल्लेलो, यंतु चेये डुन्यार हरियो इन्नुनी चुन्न दुम्पुयो वरु सखीनी चुल्ली वरनिन्ने मरन्नानल्ली सुतति तवरति करुति मुहुरपि सुतति तवरति करुति। तो इस रेयर पदम के को सुनने के बाद और मोहिनीअट्टम नृत्य पर इतने विस्तार से बातचीत करने के बाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दीप्ति जी। आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, इस नृत्य के बारे में हमको बताया, बहुत सारे लोगों को पहली बार बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा धन्यवाद।